हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अवी की पाठशाला सो माय डियर फ्रेंड्स टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ टू डाउनलोड दी स्टैम्प्स इन योर मोबाइल फोन दैट इज द टक्स पेंड स्टैम्प ठीक है तो टक्सपेन्ड स्टैम्प्स को अगर हमें मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है फ्री स्टैम्प्स को तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कैसे आपको डाउनलोड करना है कैसे आपको उसको इंस्टॉल करना है मोबाइल फोन में अपने सो so, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सो so, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगी एंड गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी डाउनलोड पेंट स्टैम्प्स फॉर एंड्रॉइड भी आप लिख सकते हो या फिर डाउनलोड टक्स पेंट स्टैम्प भी आप लोग सिंपल लिख सकते हो सो so, ये अब ओपन हो रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज जो देखनी है वो आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है क्या आपका यहाँ पे लिंक आ रहा है जैसे आपका एक लिंक तो ये आ रहा है ठीक है और एक लिंक आपका ये आ रहा है लेकिन दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों ही आपके किस चीज़ के हैं डब्लू डब्ल्यू तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं सो अब मैं इसमें से किसी एक पे क्लिक कर ले रही हूँ सपोज मैंने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है उस पर अगर मैंने क्लिक किया है तो आपके सामने टक्स पेंट की वेबसाइट आ जाएगी प्रॉपर जैसे आप येलो कलर का पेजेस भी कहते हैं नॉर्मल एंड अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं ये तो बहुत सारे आपके आ गए सो यहाँ से आप लोग इधर डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बट मेरी मानिए क्योंकि आपको अलग अलग नहीं डाउनलोड करने हैं बहुत सारे एक, एक ही साथ डाउनलोड करने हैं तो आपको सेकंड वाले लिंक पे जाना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये देखिए टक्स पेंट ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये क्योंकि इसमें आपको जनरल बहुत सारे मिल जाएंगे ठीक है तो अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रही हूं तो आपका प्रॉपर जो वेबसाइट है ये येलो कलर का पेज जिसकी मैं बात कर रही थी ये आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पे आप लोग क्या एक ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन देख रहे हो ये टक्स पेंट फॉर एंड्रॉयड बस यहीं पे आपको क्लिक करना है और यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा ठीक है तो अब मैं इस पे क्लिक करने वाली हूँ और बाकी आप मेन पैकेजेस भी हैं यहाँ पे नीचे ये भी देख सकते हैं टक्स पेंट के स्टैम्प्स के जो अलग अलग डेट्स पे आपके आए हुए हैं बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस वाले ऑप्शन पे ही जाएं तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ठीक है तो अब मैं यहाँ पे अब क्लिक करने वाली हूं अब देखते हैं क्या होता है सो so, ये आपका यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये टाइम आ रहा है यहाँ पे फाइव फोर थ्री टू वन और जैसे ही आपका ये टाइम ओवर होता है आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है सो so, देखिए अब ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि हमें डाउनलोड करना है और किस फोल्डर में करना है तो बस ये नॉर्मल डाउनलोड है हमें बस यहाँ पे जो ओके बटन दिखा रहा है यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है इस ओके बटन पे ठीक है तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रही हूं ये मैंने क्लिक कर दिया है ये स्टार्ट हो गया है डाउनलोड होना So, अब ये जैसे ही डाउनलोड होता है उसके बाद में आपको बताती हूँ कि क्या आपको प्रोसीजर करना है फॉलो। so, आप लोग देख रहे हैं ये डाउनलोड होना है इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ठीक है ये आपका पूरा डाउनलोड हो रहा है बस अब हमें वेट करना है कि कब तक ये डाउनलोड होता है सो so, फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे कि ऑलमोस्ट हमारा ये डाउनलोड होने ही वाला है ये बस कंप्लीट हो गया है एंड आप लोग देख सकते हो डाउनलोड हो गया सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में सो so बस अब हमें इसको क्या करना है इंस्टॉल करना है तो आप लोग देख रहे हो यहाँ डाउनलोड्स फोल्डर जो ब्राउजर की हिस्ट्री पे है सो so यहाँ पे मैं इस पे जाऊंगी आई विल क्लिक ऑन इट एंड उसके बाद फर्दर मुझे क्या करना है बस इसको एक इंस्टॉल करना है सो so देखिए अपने आप ही ये इंस्टॉल होने लगता है आपको बस इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है सिंपल बस आपको इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने आप ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फोन में आपके एंड्रॉइड फोन में एंड फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि टक्स पेंट को आप अपने मोबाइल फोन पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं टक्स पेंट जो एप्लीकेशन है ठीक है तो वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि आप मोबाइल फोन पे और डेस्क लाइक ला, आपके डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पेन को सो आप वहां से देख सकते हो और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि आप स्टैम्प्स को अपने मोबाइल फोन में कैसे करते हो डाउनलोड सी अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा ये इंस्टॉल हो गया अच्छे से तो अब मैं यहाँ पे ओपन बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और बस कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे हर चीज को बस हमें अलाउ करते जाना है और बस सिंपल आपका स्टेप्स है एंड आप देख सकते हो ये टक्स की एप्लीकेशन मेरी ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पे ये कुछ प्रीवियस स्टैम्प्स हैं जो मैंने यूज कर रखे थे अब मैं आपके सामने एकदम फ्रेश पेज लेके आती हूँ देखोगे तो ये टक्स पेन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपके सारे स्टैम्प्स अवेलेबल होंगे यस yes, मैं आपके सामने ये ठीक है अब मैं ये स्टैम्प टूल पे जाऊंगी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये स्टैम्प टूल गिवन है आपको ठीक है अब मैं इस स्टैम्प टू, टूल पे जैसे ही जाऊंगी तो आपको बहुत सारे स्टैम्प्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वेट यस ये मेरा पिछला वाला स्टैम्प था जो मैंने ले रखा था आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड पे आपके बहुत सारे स्टैम्प्स अवेलेबल हैं इस साइड पे आपके स्टैम्प्स बहुत सारे आ जाएंगे आप लोग देख रहे हो तो कोई भी स्टैम्प यहाँ से अब आप सेलेक्ट कर सकते हो आगे और पीछे जाना है तो आप आगे और पीछे भी जा सकते हो इसमें ठीक है और अदर अदर स्टैम्प्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे मैं अपने फोन पे यूज़ कर रही हूँ अपने सिस्टम पे यूज़ नहीं कर रही हूँ तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि हैवी अप्लीकेशन है बट येस yes, आपकी सारी चीज़ें फ़ोन पे भी पॉसिबल हैं ठीक है अगर आपको ये फ्रूट का स्टैम्प चाहिए या किसी और चीज का स्टैम्प चाहिए लाइक ये जो काइट का स्टैम्प आपको दिख रहा है एंड इसका आप साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से ठीक है ये जो वॉल्यूम टाइप जैसा बटन है आप इसको प्रेस करके कर सकते हो सो so फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड यस yes, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है और जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा सो so दैट मैं आपकी और अच्छे से हेल्प आउट कर पाऊं अगर